निगम भिलाई क्षेत्र के वार्ड 7 राधिका नगर के पार्षद आदित्य सिंह ने वार्ड में विकास की गंगा बहा रखी है, जिससे वार्डवासी अपने पार्षद की तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र के वार्ड 7 में बतौर पार्षद आदित्य सिंह जब से काबिज हुए हैं, तब से मानो वार्ड में विकास की गंगा बह निकली है और ये वार्ड हर तरफ से काफी खूबसूरत भी नजर आने लगा है। इन विकास कार्यों को देखकर पार्षद आदित्य की कार्यशैली और दूरदर्शिता को पहचाना जा सकता है। वार्ड में चारों तरफ सौंदर्यीकरण के कार्य प्रगति पर है, जिससे वार्डवासी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। क्षेत्र के कालीबाड़ी मंदिर परिसर क्षेत्र के सामने एक समय पानी और कीचड़ जमा हुआ करता था, जो आज सौंदर्यीकरण हो जाने के बाद काफी खूबसूरत नजर आने लगा है। और ठीक जिसके सामने एक डोम शेड और सार्वजनिक मंच का निर्माण भी वार्ड पार्षद द्वारा कराया गया है और इस परिसर में भी आई लव राधिका नगर का बोर्ड अन्य वार्ड वासियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इन विकास कार्यों के लिए वार्ड वासियों ने वार्ड पार्षद आदित्य सिंह का हृदय से आभार जताया है। मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद अग्रवाल है। मैं अभी राधिका नगर विकास समिति का महासचिव हूँ और यहाँ पहले पिछले 16 साल से मैं निवासरत हूँ। ये जो हम प्रणाम जो खड़े हैं, ये पहले एक ग्राउंड था। यहाँ इतनी समस्या थी कि पानी वानी भरा हुआ रहता था, जबकि यह पूजा मैदान राधिका नगर का हृदय स्थल है और इसका कार्य लास्ट 9 महीने से चालू हुआ और पिछले 3-4 महीने से काफ़ी द्रुत गति से काम हो रहा है, जब से आदित्य भाई हमारे यहाँ के पार्षद बने हैं। इस मैदान को देख के आज भी हर कोई यह बोलता है कि आज जो इसकी परिकल्पना जो हम लोग किए थे, उससे कहीं अधिक यह साकार हुआ है। और यह राधिका नगर का यह स्वरूप, मैं स्वयं एक इंजीनियर हूँ, AGM रिटायर्ड हूँ भिलाई स्टील प्लांट से, मैं खुद यह नहीं सोचा था कि यह इस अच्छे इतना अच्छा बन पाएगा। इसके लिए निसंदेह आदित्य सिंह जी, यहाँ के जो वासी इसको कॉपरेट किए वो, और नगर निगम के सारे लोग, ये सब इसके बधाई के पात्र हैं। महापौर नीरज पाल जी का विशेष रूप से हम हैं, आपके बंटी भैया जो हैं उनका हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन सब के सहयोग से ये बढ़िया राधिका नगर ये सब किया है और हम लोग भी जो हो सकते हैं उसमें सहयोग देते रहे। निगम क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों में आज आदित्य सिंह का नाम सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि ये अपने वार्ड को समस्याओं से मुक्त कराने सकारात्मक पहल करते नजर आते हैं, जिसका परिणाम वार्ड 7 राधिका नगर में साफ देखा भी जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।